सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जेएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो जैसा कि आपको पता है, जो नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके बावजूद भी नोटिफिकेशन आपको न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि सक्सेस स्पेस देकर 398। और आपको पीडीएफ मिलेंगे कहाँ, तो मिलेंगे आपको www.success398.in पर। और जैसा कि हम बार बार जोर दे रहे हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम आने वाले एग्जाम्स की, उनको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ दीजिएगा, तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा e-store.ibpsguide.com पर, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहे हैं इन चीपेस्ट प्राइस। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट क्वेश्चन आंसर कराते चला जाऊंगा। और कोशिश करिएगा कि आप अंत तक जुड़े रहें चैनल के साथ ताकि आपको सारे प्रश्न उत्तर मिले। पहला प्रश्न आने वाला है और आशा करता हूं उत्तर मुझे पहले से ही सही मिलेगा। पेंसिलिन का एक उदाहरण होता है क्या? किसका उदाहरण है पेंसिलिन? एक खमीर, बी एक शैवाल, सी एक कवक, या डी एक लिकेन? बताइएगा पेंसिलिन कहां का उदाहरण है? जी हां, सी कवक एकदम सही उत्तर है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस। दूसरा प्रश्न ए रहा, उत्तर देगा यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? केवल अनुदैर्ध्य, बी केवल अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, या डी इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तर दिया है सी, जी हाँ, कैन बी बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर देगा मकड़ी कीड़ों से भिन्न है क्योंकि उनके पास है क्या? छह टांगे, बी आठ टांगे, सी दस पैर, या डी बारह टांगे? तो सही उत्तर है आठ टांगे। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। चौथा प्रश्न ए रहा, उत्तर देगा इसका प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो वह क्या होती है? सामान्य की ओर झुक जाती है, बी सामान्य से दूर झुकती है, सी अपने मार्ग से भटक जाती है, या डी इनमें से कोई नहीं? बताएगा इसका उत्तर। प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो वो क्या करती, क्या होती है? जिन्होंने उत्तर दिया है सामान्य से दूर झुकती है। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा अनुप्रस्थ तरंगे किस में फैल सकती हैं? आपके ऑप्शन है गैस और धातु दोनों में, बी गैस में लेकिन धातु में नहीं, या सी गैस में नहीं परंतु एक धातु में, या डी न तो गैस में और न ही धातु में? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है गैस में नहीं परंतु धातु में, जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। छठा प्रश्न ए रहा आप इसके पर, इसका उत्तर देगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? ए 15, बी 16, सी 17, या डी 18? पहले कराया जा चुका है प्रश्न, तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी 18। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न, उत्तर देगा इसका चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एपिफाइट, बी हेलोफाइट, सी ज़ेरोफाइट, या डी लिथोफाइट? बताएगा इसका उत्तर। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी लिथोफाइट। जी हां, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या है? ए द्रव्य तरंगे, बी यांत्रिक तरंगे, सी लोचदार लहरें, या डी विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। नौवां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल समतल दर्पण के लिए, बी केवल अवतल दर्पण के लिए, सी केवल उत्तल दर्पण के लिए, या डी सभी प्रतिबिंबित सतहों के लिए? जिन्होंने उत्तर दिया है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आ रहा है दसवां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है संक्रमण तत्व, बी ट्रांसजेनिक तत्व, सी धातु, या डी उपधातु? बताइए इसका उत्तर। जिन्होंने उत्तर दिया है ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जी हाँ संक्रमण तत्व, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला ग्यारह प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका लहसुन के विशिष्ट गंध किसका का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए एक क्लोरो यौगिक, बी एक सल्फर यौगिक, सी एक फ्लोरोन यौगिक, या डी सिरका अम्ल? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है एक सल्फर यौगिक, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न बारह प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? पहले कराया जा चुका है प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा ए द्रव्यमान, बी लंबाई, सी
तीसरी आयाम या डी ऊर्जा। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी लंबाई, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का 13वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए सकारात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या डी अनंत। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी इंफिनिटी अनंतता, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा, किसी तरह की समान विधि और उसकी आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? आपके ऑप्शन है अनंत, बी शून्य, सी यूनिटी या डी कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी यूनिट या यूनिटी, उनका उत्तर एकदम सही है। 15वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए Na सोडियम, बी Br ब्रोमीन, सी Hg मरकरी या डी Cs कैल्शियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए सोडियम, उनका उत्तर एकदम सही है Na। 16वां प्रश्न ए रहा स्क्रीन पर इसका उत्तर देगा, सिंकोना पौधे क्विनीन के किस हिस्से में स्वाभाविक रूप से होते हैं? आपके ऑप्शन है ए जड़, बी फल, सी बीज या डी छाल। बताएगा इसका उत्तर, सिंकोना पौधे के किस भाग में क्विनीन स्वाभाविक रूप से होते हैं? जिन्होंने बोला है बात छाल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 17वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका, मोमबत्ती की लौ की छवि कई छवियां मोटे दर्पण में दिखी जाती हैं। पहली छवि सबसे चमकदार है, बी दूसरी छवि सबसे चमकदार है, सी अंतिम छवि सबसे चमकदार है या डी सभी चित्र समान रूप से उज्जवल हैं। बताइए इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी द सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 18वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, फोटी किसके उपयोग के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए दूषित अनाज, बी बेकार सब्जियों, सी दूषित पानी या डी सुरक्षित पके हुए भोजन। एर्गोटिज्म फोटी किसके उपभोग के कारण होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है दूषित अनाज के उपभोग से, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 19वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, मछलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा मिलती है, बी उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, सी वे सांस नहीं ले सकती हैं या डी वे पानी में ही नहीं जा सकती हैं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है दे कैनॉट ब्रीथ, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, ये सांस नहीं ले सकती है क्योंकि बाहर पानी के इनके जो गिल्स होते हैं वो कुछ देर में ड्राई हो जाते हैं और वो श्वसन करने में असमर्थ हो जाती हैं। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, जब एक किरण या प्रकाश हवा के एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, बी इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, सी इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है या डी न तो इसकी तरंग दैर्ध्य और न ही इसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है इसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा, जो जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जिनके पास क्वेश्चन लेने की क्षमता नहीं है। और जरूर आप जितने भी कोशिश करिए आंसर जरूर दीजिएगा, यहाँ जितनी गलतियां करनी है कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको एक भी गलती नहीं करनी है। याद रखिएगा अगर कोई भी प्रश्न आपको परेशान करे तो उसे छोड़कर आप आगे बढ़ जाइएगा। अगला प्रश्न आने वाला है 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। और हाँ अगर आपको आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी देना न भूले, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 21वां प्रश्न ए रहा उत्तर जगह साहब, किसी बीमार व्यक्ति पर प्रतिजन का क्या प्रभाव होता है? एंटीजन का क्या प्रभाव होता है किसी बीमार पुरुष पर या इंसान पर? यह WBC का उत्पादन बढ़ाता है, बी यह एंटीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाता है, सी यह बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिशीर्मी का उत्पादन करता है या डी यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इफेक्ट ऑफ एंटीजन, जिन्होंने उत्तर दिया है यह एंटीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाता है, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न उत्तर देगा इसका, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में शामिल है क्या? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, बी प्रोटॉन का स्थानांतरण, सी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी, जी हाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑलरेडी प्रश्न कराया जा चुका है। 30वां प्रश्न ए रहा उत्तर देगा इसका,
हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्रोमोसोम, बी डीएनए, सी जीन या डी नाभिक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी जीन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 24वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। यूरिक अम्ल में पाया जाता है कहाँ? ए सोडा वाटर, बी बासी मक्खन, सी खट्टा दूध या डी स्तनपायी का मूत्र। बताइए इसका उत्तर। यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है यूरिन ऑफ मेंबर्स, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? आपके ऑप्शन है पैरासिटामोल, बी पेनिसिलिन, सी एम्पिसिलिन या डी क्लोरामोफेनिकोल। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी एम्पिसिलिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। मानव का औसत रक्तचाप एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है? आपका ऑप्शन है 60/120/80, 60/140 या डी 120/80। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, जी हाँ एकदम सही उत्तर है, 120/80 इज द करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न ए रहा स्क्रीन पर इसका उत्तर दीजिएगा। अंगोरा ऊन किस से प्राप्त होता है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है ए खरगोश, बी भेड़, सी लोमड़ी या डी बकरी। बताइएगा इसका उत्तर। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए खरगोश, जी हाँ रैबिट से, उनका उत्तर एकदम सही है। आज का 28वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पे इसका उत्तर जगह। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है पाचन गतिविधि पर, बी जिगर की कार्य पद्धति, सी गुर्दों की कार्य पद्धति या डी रक्त की ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता को। तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का 29वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी बोरॉन, सी कॉपर या डी मोलिब्डेनम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी बोरॉन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर 30वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्नायु बंधन, बी रेशेदार उत्तक, सी फाइब्रिन या डी मांसपेशी उत्तक। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्नायु बंधन, जी हाँ लिगामेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, तब उससे पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े थे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा। और आपके पास कोई भी सुझाव हो चैनल से रिलेटेड, प्रश्नों से रिलेटेड या किसी भी बात को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका उसका निवारण जरूर हम करें। एक तीसरा प्रश्न उत्तर दीजिएगा। हड्डियों और दांतों के गठन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, बी लोह और कैल्शियम, सी सोडियम और कैल्शियम या डी कैल्शियम और फास्फोरस। बताइएगा इसका उत्तर। तो काफी आंसर आ रहा है, जी हाँ डी कैल्शियम एंड फास्फोरस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है जाइमेस, बी इन्वर्टेज, सी माल्टेज या डी डाइस्टेज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जिमेज, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी? आपके ऑप्शन है नरम लकड़ी, बी रेशेदार लकड़ी, सी गीली लकड़ी या डी सख्त लकड़ी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है गीली लकड़ी, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है, वेट वुड। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? आपके ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, बी फेलोपियन ट्यूब, सी गर्भाशय का निचला हिस्सा या डी गर्भाशय का ऊपरी भाग। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी फेलोपियन ट्यूब, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे खाना बनाते हैं? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी कार्बोसिंथेसिस या डी फोटोसिंथेसिस।
तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी फोटोसिंथेसिस, जी हाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। 36वां प्रश्न ए आप से प्रश्न हो जाएगा, हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किससे बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, बी फ्लोरोपेटाइट, सी क्लोरोपेटाइट या डी हाइड्रोलिथ। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, जी हाँ ऑलरेडी मैं इससे पहले एक प्रश्न में करा चुका था कैल्शियम और फॉस्फेट, और यहाँ ऑप्शन भी है ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। 37वां प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर देगा मानव शरीर में रक्तचाप कितना होता है? वायुमंडलीय दबाव के कम, वायुमंडलीय दबाव से अधिक, वायुमंडलीय दबाव के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा बाल किस प्रोटीन से बना होता है? आपके ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन, बी म्यूसिन, सी केराटिन या डी केशिन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी केराटिन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न, और एक प्रश्न दूर है हम, पीएच मान उदासीन विलयन का क्या है? पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 5, सी 7 या डी 13। इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी 7, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? आपके ऑप्शन है ए दिल का दौरा, बी हेपेटाइटिस, सी जोड़ गाठिया या डी गाठिया। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए दिल का दौरा, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाती हैं इस डिजीज से, हार्ट अटैक से। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हुई, अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करेगा और हो सके तो शेयर करेगा ताकि उन बंधुओं को मिले जिनके पास कुछ लेने की क्षमता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं ठीक सोमवार को शाम को 4:30 बजे, तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, और जी हाँ अपने देश का ख्याल जरूर रखिएगा, किसी के बहकावे में ना आए। जय हिंद।